बेनीपट्टी प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में शुक्रवार को कृषि विभाग के तत्वावधानों में रवि माह अभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रविरंजन, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहन, बीएओ सुदर्शन सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बसु, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा व पैक्स अध्यक्ष विवेक राय सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वीडियो श्री रंजन ने कहा कि अनुदानित बीज वितरण कार्यक्रम हो या खाद्य सुरक्षा मिशन हो, इसका लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए जो मूलतः किसान हैं। भले ही उनकी जमीन का रकबा जो भी हो, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं और कृषि कार्य करते हैं, उन्हें किसानों को इस प्रकार की परियोजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलहन और तेलहन पर 80% का अनुदान देती है, क्योंकि हमारे कृषि संस्कृति में अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है, जबकि दलहन और तेलहन का उत्पादन कम किया जाता है। इस वजह से बिहार सरकार दलहन और की उपज को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है। अब समय की मांग को देखते हुए किसान सभी फसलों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित होकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। बदलते परिवेश में अब यहां के किसानों को भी आधुनिक तकनीक के जरिए पारंपरिक खेती करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि रासायनिक खादों पर किस हद तक कम हुई है, इसकी समीक्षा आवश्यक है। वहीं प्रमुख सोनी देवी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बसु समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि दो फसलों के बीच दलहन या तेलहन की खेती अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे किसानों के फसलों में पैदावार और उपज की वृद्धि हो सके। फसल चक्र के अनुपालन और फसलों की विविधता से पैदावार और उपज में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मौके पर बीटीएम मधु मीता कुमारी, एटीएम रोहित कुमार सिंह, पशुपालन पदाधिकारी ललन कुमार, प्रणव कुमार, नसीमा प्रवीण, परवेज आलम, सुजीत झा, संजय कुमार झा, भोगेंद्र यादव, कृषि समन्वयक नवीन नद्दाफ, आत्माध्यक्ष जुबेर अहमद, किसान सलाहकार शैलेंद्र झा, वरुण चौधरी, विनय झा, सुशील मंडल, पप्पू सिंह, विजय कुमार यादव, चंदन सिंह, सुभाष चंद्र उदय, नवीन लाल कन्हैया सिंह व श्याम कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। माननीय मुखिया जी और पैक्स अध्यक्ष भी हैं, उन सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। यह रवि महोत्सव हम एक ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब कुछ ही दिन पूर्व इस देश में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन हम सबसे विदा हो चुके हैं। बोरलॉग के साथ मिलकर हरित क्रांति का सपना साकार किया और अन्न के लिए विदेशी मुल्कों पर मोहताज रहने वाला भारत न सिर्फ अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि अभी जबकि इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, फलस्तीन को मानवीय सहायता के रूप में अन्न भेजने की स्थिति में आज भारत है। तो ऐसे में उस एमएस स्वामीनाथन का सर्वाधिक योगदान है। मैं चाहूँगा कि सभा के अध्यक्ष महोदय के आदेश से इस कार्यक्रम के समापन से पूर्व उस महान कृषि वैज्ञानिक के श्रद्धा में, उनकी याद में हम लोग कार्यक्रम समापन करने से पूर्व 2 मिनट का मौन जरूर रखें। इस कार्यक्रम की इससे बेहतर समाप्ति नहीं। अभी जब एमएस स्वामीनाथन मरे तो उन पे बहुत आर्टिकल्स थे। जिन जमाने में हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, वो जमाने में द हिंदू में उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आया करते थे, जिनको पढ़ के हम लोग बड़े हुए। आप सब में पता नहीं कितने लोग हैं जिनको ये जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशिया स्तर का मनीला में उसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन रहे। यद्यपि इस इलाके में चावल और मछली बहुत खाया जाता है, लेकिन यहाँ के कितने हमारे किसान भाई हैं जो चावल की उन्नत तकनीकों के लिए ऐसे शोध संस्थानों में प्रकाशित हो रहे जर्नलों के पाठक हैं अथवा नहीं। मैं आज इस कार्यक्रम के बहाने और मैं देख रहा हूँ कि एस के चौधरी शिला शिक्षा न्यास से भी लोग आए हैं, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ तो कभी भी एग्रीकल्चर का कोई जर्नल नहीं दिखता है। ये जिला के कृषि विभाग को भी देखना चाहिए कि केवल हम लोग इस तरह की चीज़ें तो ला रहे हैं जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भर तो है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नित नए जो शोध हो रहे हैं, बेहतर तकनीक के इस्तेमाल से जो शोध हो रहे हैं, जो पारंपरिक प्रक्रियाओं पर खेती को लौटा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।